हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं आपको दिखाता हूँ दिव्यांश क्या कर रहा है। ये देखो दिव्यांश क्या कर रहा है। क्या बजा रहे? क्या बजा रहा है दिव्यांश? दिव्यांश, टाटा करो, टाटा करो, टाटा करना, टाटा करो दिव्यांश, टाटा। हेलो करो, हेलो करो दोस्तों। गैस वाली टंकी भरवाने चलते हैं। हेलो गाइस, पौधों में पानी दे रहे हैं। गर्मी के मौसम में पौधों को पानी बहुत जरूरी है। आपके ही घरों में अगर पेड़ पौधे हैं तो उनको पानी गर्मी के मौसम में जरूर दें। साथियों, अगर मेरे बाल आपको ऐसे दिखाई इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ गंगानगर हनुमानगढ़ ज़िले में धूल भरी आंधियाँ चलती है और यहाँ सुबह से आंधी चल रही है, यहाँ पर धूल मिट्टी उड़ रही है। ये देखो, इसमें पानी डाल दिया है, अब इसमें डालते हैं। पेड़ पौधे हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही आवश्यक है। इनको अपने आसपास जरूर लगाएं। ये बेल पत्र का पौधा है जिसको बेलगिरी बोला जाता है। इसमें पानी डाल रहे हैं। इसके बाद में जो सुंदरता के लिए पौधे होते हैं उनमें पानी डालेंगे। दोस्तों, अब इन पौधों में पानी डालेंगे। ये पाम है, इनको पाम बोला जाता है। इनके अलग अलग नाम होते हैं जैसे साइकस पाम वगैरह। तो चलिए इन पौधों में पानी डालते हैं। आज हवाएं बहुत तेज चल रही है। दोस्तों, ये जो पेड़ है ना, इसके फूल
इतने सुंदर लगते हैं वाइट कलर के, और उसमें खुशबू बहुत ही जैसे अगरबत्ती में आती है ना, अगरबत्ती में होती है ना उस टाइप की, उसमें खुशबू आती है, दूर दूर तक इसकी खुशबू आती है। ये पेड़ है ना, इसकी अगर टहनी भी आप काट दो ना तो ये 10-12 दिन तक ऐसी ही हरी भरी रहती है। ये पेड़ थोड़ा बहुत गर्मी के मौसम में जल जाता है। चलो एक और रह गया, तब तक पानी ले आते हैं। ये देखो दोस्तों, पानी डाल दिया इनमें। दोस्तों गाड़ी को छाया में खड़ी करते हैं। ये देखो भाई साहब, और बताना दिव्यांश, पी बताना। ये देखो कितना शरारती है दिव्यांश। आजा, नीचे आजा दिव्यांश, नीचे आजा।